अब दोस्तों जिस भाई का लॉन्ग जंप नहीं निकलता रहा तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने अपना पूरा शेयर करा है, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद लॉन्ग जंप 23.5 फीट लगा रखी है, ये मेरी ही वीडियो है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको लॉन्ग जंप टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक, दोस्तों आज की वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने मेरे टिप्स बताने वाला हूँ, 5 से 4 टिप्स बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, सिर्फ 5% भी अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका यकीन मानो दोस्तों आपका कम से कम 2 से 3 फीट लॉन्ग जंप इंप्रूवमेंट होना ही होना है। दोस्तों सबसे पहले आप मेरी लॉन्ग जंप वीडियो देखो। दोस्तों ये मेरी लॉन्ग जंप की वीडियो है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपका लॉन्ग जंप फिजिकल में 2 से 3 फीट आराम से बढ़ सकता है, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना बिना काटे। दोस्तों वीडियो आपने देख ली होगी, मैंने खुद लॉन्ग जंप 23.5 फीट लॉन्ग जंप कर रखी है, हाई जंप भी मैंने 5-9 कर रखी है और 1600 मीटर भी मैं अच्छा भाग चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको लॉन्ग जंप के बारे में बेस्ट टिप्स बताने वाला हूँ, हमें स्टार्ट क्या करना है। सबसे पहले हमें लॉन्ग जंप स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखो। तो लॉन्ग जंप दोस्तों स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग क्यों करनी है दोस्तों, यकीन मानो आप ये छोटी छोटी चीज करोगे ना, आपका कम से कम 1-1 फिट का अंतर आ सकता है इस छोटी छोटी चीज से। आप स्ट्रेचिंग अपने लेग की, हाथ की, जो भी आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हो, सेम टू सेम आप ऐसा भी कर सकते हो। दोस्तों ये सब ऐसी एक्सरसाइज है ना, आपकी छोटी छोटी एक्सरसाइज आपका 1 से 2 फीट कब बढ़ा दे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये एक्सरसाइज करोगे तो आपकी स्पीड भी, जैसे कि मान के चलो आप बिना एक्सरसाइज के आप लॉन्ग जंप कर रहे हो, अगर आप ये लगा के करते हो तो आपकी एक्सरसाइज से काफ़ी अच्छी स्पीड निकलेगी और ऑटोमेटिक जंप निकलेगी। दोस्तों आपको स्ट्रेचिंग ये करनी है, फिर उसके बाद आपको ईजी वार्म अप करना है। दोस्तों याद रहे वार्म अप आपको थोड़ा अच्छे से करना है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से हीट हो और आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, चाहे 1600 मीटर अच्छे से निकल सके। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ली होगी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट की, जो कि इसमें काफी पॉइंट मैंने बता रहा है कि दोस्तों अगर ये पॉइंट आप सुधार ले तो आपका 100% कह रहा हूँ 2 से 3 फीट इस गलती को सुधारने के बाद ही लॉन्ग जंप आपका आराम से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों गलती आपको कौन कौन सी नहीं करनी, सबसे पहले आप ये वाली वीडियो, आपको लॉन्ग जंप में गलती क्या क्या नहीं करनी आप एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करो। दोस्तों सबसे पहला गलती, आप जहां से भाग के आते हो, जो ये आप भागते हो, आप जैसे कि मान के जो पीछे से भागते हो, मैं आपको यहाँ से पास से भाग के दिखाऊंगा, आप पीछे से भागते हो, मान के चलो पीछे से भागते हो, आप यहाँ से भाग के आ रहे हो, तो पैर लंबे लंबे नहीं करने। अगर पैर लंबे लंबे करोगे आपका 2 से 3 फीट ऑटोमेटिक कम है जंप, ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। और दूसरे पॉइंट की मैं बात करूंगा, जब आप मान के चलो दूर से भागते हो तो आपको भागते समय सामने देखना है। बहुत बंदे गलती क्या करते हैं, भागते 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 नीचे लाइन को देख लेते हैं, और जब लाइन को देख लेते हैं तो आपका फाउल होता है। और एक और गलती क्या नहीं करनी, जब आप वहाँ से स्पीड से आते हो तो आपको स्पीड से निकलना है, क्योंकि बहुत बंदे गलती करते हैं, मान के चलो स्पीड में आ रहे हैं और यहाँ पे स्लो हो जाते हैं डर के मारे लाइन में। डरना नहीं है, स्टार्टिंग में कहीं पे भी जंप आए, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, पहले जंप मारना सीखो। जो यहाँ पे कह रहा हूँ ना फाउल का दिक्कत, मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊँगा कैसे ठीक हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों एक चौथी गलती बताऊँगा जो कि आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट डाल सकता है, मान के चलो आप दूर से भागते आ रहे हो, ठीक है, दूर से भाग के आ रहे हो, बहुत बंदे गलती क्या करते हैं, भाग भाग के जंप करते हैं और खड़े खड़े गिर जाते हैं, ऐसे खड़े खड़े। दोस्तों आपको बहुत लोग कहते हैं कि खड़े खड़े जंप करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल एथलीट हूँ दोस्तों, 23.5 फीट लॉन्ग जंप कर रखी है मैंने, आपको खड़े खड़े नहीं गिरना, खड़े खड़े गिरोगे तो आपकी जंप बहुत कम आएगी, अगर आप ऐसे गिरोगे तो आपकी जंप काफ़ी अच्छी आएगी। आप उदाहरण तौर पर एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, सबसे पहले आप मेरी वाली वीडियो देखो। दोस्तों ये मेरी 23+ फीट की लॉन्ग जंप है, इसमें आप अच्छे से देखो मैं नीचे गिरूंगा ना कि खड़े रहूंगा, तो दोस्तों आप भी ट्राई करो क्योंकि इससे जंप बढ़ती है घटती नहीं है। वीडियो आपने देख ली होगी, इसमें मैंने क्या गिरते हुए करा है, अगर आप गिर के करोगे, खड़े खड़े करोगे तो आपकी जंप इतनी रहेगी, अगर पूरा गिरोगे तो नॉर्मल सी बात है आपका कम से कम 2 से 3 फीट लॉन्ग जंप बढ़ना ही बढ़ना है। दोस्तों 23.5 फीट लॉन्ग जंप कर रखे हैं, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो करो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और मैं बताऊंगा जिससे आपका लॉन्ग जंप अच्छा आ सकता है, बहुत बंदे में स्पीड अच्छा होता है बट लेकिन उसकी हाइट नहीं उठती। हाइट के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान के चलो आप भाग के आ रहे हो स्पीड, और स्पीड से नीचे नीचे चले गए, ठीक है, एक उदाहरण दिखा रहा था, एक सिंपल उदाहरण दिखा रहा हूँ मैं आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई आपको मैं क्लियर जंप करके नहीं दिखा रहा, ठीक है। उदाहरण देखो, सबसे पहले मान के चलो मैं दूर से भाग के आ रहा हूँ, एक जंप तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, भागते भागते आया, कूद गया, ठीक है, इसमें मेरी हाइट नहीं उठी,
नॉर्मल सी बात है, आप में स्पीड कितनी भी हो, अगर हाइट मतलब ऊपर हवा में नहीं जाओगे, आपकी लॉन्ग जंप बढ़नी बढ़नी नहीं है, नहीं बढ़नी। और एक मैं आपको एक उदाहरण और दिखाता हूं, मान के चलो मैं दूर से ही जंप कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पूरा नॉर्मल स्पीड में आना है, कहीं से भी आए, सबसे पहले फाउल तो देखना नहीं है, कहीं से भी आना है ऊपर उठने की कोशिश करना। मैं आपको बस ऊपर उठ के दिखाऊंगा, नॉर्मल से आए भागते 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 ऊपर चढ़ गए। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, अगर आप हाइट लोगे तो आपकी लॉन्ग जंप बढ़नी बढ़नी है, ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब बहुत बंदों को क्वेश्चन ये आता है कि भाई हाइट लेने के लिए क्या करें, दोस्तों हाइट के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बहुत भाई कहते हैं कि हाइट ऊपर नहीं उठ रही बॉडी, तो आप दूर से भाग के आते हो चाहे कहीं से भी भाग के आते हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। आप जैसे कि मान के चलो आपका लाइन ही है, तो कम से कम आप जहाँ गिरते हो उससे थोड़ा सा आगे, मान के चलो आप यहाँ गिरते हो, उदाहरण के तौर पर यहाँ गिरते हो, तो कम से कम इतना ऊंचा रख लो। इससे क्या हेल्प मिलेगा आप, या कुछ जैसे मीटर हो या रस्सा हो, अपने दोस्त से इधर पकड़ लिया और इधर पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ से भाग के आपको ऊपर की साइड जाना। अगर आप ऐसे करोगे आपका लॉन्ग जंप ऑटोमेटिक बढ़ना बढ़ना है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, लॉन्ग जंप के पिट पे आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको स्टैंडिंग जंप करना, आप सोचो कि इस सबसे फायदा क्या होता है, मैं तो भाग के कूदना है, फिजिकल की तैयारी करनी है। भाई यकीन मानो ये सब चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लॉन्ग जंप बढ़ा सकती है, इंप्रूवमेंट कर सकती है। सबसे पहले आपको करनी है स्टैंडिंग जंप। स्टैंडिंग जंप कैसे करनी है देख लो, नॉर्मली हाथ उठाया ये इस स्टैंडिंग जंप से आपका क्या फायदा पड़ेगा, लैंडिंग जो आप गिरने का तरीका बोलते हैं ना कि भाई गिरने के तरीके में, इससे आपका ये फर्क पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, होपिंग करनी है। होपिंग से आपका क्या फायदा पड़ेगा, जो कहते हैं ना भाई उठा नहीं जाता ऊपर, दोस्तों होपिंग से आपका उठने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। होपिंग कैसे करनी है, सिंगल लेग कहते हैं जिसे, होपिंग होपिंग आपको कहां से करनी है, तीन से, चार से, पांच से, ऐसे से कर सकते हो। होपिंग कैसे करनी है देख लो, ये दोस्तों यकीन मानो लॉन्ग जंप इंप्रूवमेंट होना ही होना, लेकिन जो होपिंग है ये आप थोड़ा आराम आराम से करना, क्योंकि इसमें थोड़ा इंजरी के चांसेस भी होते हैं, लेकिन थोड़ा आराम आराम से करना, दोनों पैर से दो दो तीन तीन सेट करना, ताकि आपका लॉन्ग जंप में अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और दोस्तों ये प्रैक्टिस की मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ते भी अगर आप इसे ढंग से करो ना, आपका इंप्रूवमेंट आएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 6 से 10 स्टेप के बीच से जंप स्टार्ट करनी है। आज जंप पर तो मेरे साथ सोनी है जो कि मेरा स्टूडेंट है, जो कि इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे जंप करनी है। लास्ट में मैं इसकी जंप भी दिखाऊंगा आपको, और मैंने अपना स्क्रीन पे आप मेरी जंप देख ही रहे होगे, ये मेरी जंप है, लास्ट में मैं इसकी भी जंप दिखाऊंगा आपको। 6 से 10 स्टेप जंप करनी है, और आपको स्टार्टिंग में फाउल नहीं देखना, चल लग जा पहले लाइन में। 6 से 10 स्टेप मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि जो आप होता है ना बिल्कुल आप दूर से आओगे स्पीड में, तो आपके घुटने में या एंकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। आप देखो उसकी जंप, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपकी पूरी स्पीड नहीं आएगी, पूरी जंप नहीं बढ़ेगी, लेकिन इससे क्या होगा, जो आपकी मसल है ऊपर उठाने का तरीका, इससे आपकी मसल खुल जाएगी और धीरे धीरे पावर आ जाएगी। 5 से 6 जंप आप कम से कम ऐसे करो, फिर उसके बाद आपको फुल रनवे पे जाना है, फुल रनवे जहाँ से आप अपना फुल भाग सकते हो। लेकिन आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 25 से 30 मीटर के आसपास 30 कदम रखो। कैसे नापना है वो बता देता हूँ मैं, जैसे कि 1 2 3 ऐसे करके आपको 25 से 30 मीटर तक, 30 स्टेप तक आपको नापना है। और जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं वो कम से कम उनका 40 भी जाता है, 42 भी जाता है, 30 भी जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए इसको करके दिखाऊंगा। तो अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे फुल रनवे से। तो दोस्तों फुल रनवे करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको दिख रहा होगा ये लाइन, ये हमारा लाइन है, ठीक है। और आपको कहीं से भी आ रहे हो आप, आपको जो पूरी स्पीड है ना, जो 100% स्पीड, एक उदाहरण के तौर पर मान के चलो मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, पीछे से भाग रहा हूँ, ठीक है। आप पहले तो धीरे धीरे स्लो स्लो आ रहा है, पहले स्लो स्लो आए, फिर धीरे धीरे फास्ट, फिर आपको ऐसे जंप करना है। तो ये मैंने निशान लगा रखा है, जो ऑरेंज कोन है यहाँ से आपकी 100% एफर्ट होनी चाहिए, और वहाँ से जो हरा वाला कोन दिख रहा है, जो पीछे वाला है, वहाँ से कम 70% से 80% 90% स्पीड होना चाहिए, यहाँ से आपका 100% स्पीड होना चाहिए। और पहली बार जब आप जंप करोगे तो आपको ये नहीं देखना, लाइन नहीं देखना कि आपका पैर यहाँ से आया है चाहे यहाँ से आया है, जंपर आप ये नहीं देखना तो कहाँ से आए, कहीं से भी आए जंप कर देना। ठीक है, आ जा। तो दोस्तों आपने देखा, जंप लगाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो वो समझो।
अभी क्या इसने लंबे पैर भी नहीं करें, ना छोटे पैर करें, ना नीचे देखा। अगर नीचे देख ला तो जंप इसकी बढ़ती नहीं, कम आती जंप। अब इसने क्या करा, फाउल तो गया है इसका इतना, बट लेकिन इसने लंबे स्टेप नहीं करे। अब क्या करना है, इतना फाउल गया है तो इससे एक स्टेप और आधा स्टेप एक्स्ट्रा आधा पीछे लेके चल लेते हैं। मान के चलो आपका कोन जो पीछे से भाग रहे हो यहाँ पे लगा रखा है, तो आपको इतना पीछे कर लेना है। अब देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। चल जंपर, स्पीड 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 स्पीड, ठीक है आ जा। तो दोस्तों देखा आपने, नेक्स्ट जंप जो ट्रायल लिया, इस बार फाउल नहीं आया, कम से कम इतना पीछे से आया। तो दोस्तों बस आपको मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ, ये आपका फाउल धीरे धीरे करते करते ठीक होगा, क्योंकि पीच में थोड़ा मिट्टी मिट्टी है, साफ नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा स्पीड स्लो फास्ट हो रही है। अगर आप एक ही स्पीड रखोगे, आप मेन टारगेट यहाँ से रखोगे, स्पीड उठानी ही उठानी है, तो आपका होना ही होना है। दोस्तों मैंने 23.5 फीट लॉन्ग जंप कर रखी है, इसकी आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रही होगी। उस 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप ये जो जितने भी टिप्स मैंने बताए, 3 से 4 टिप्स बताए, उसमें से अगर 5-5, 10-10% भी अगर फॉलो करते हो, आपका 3 से 4 फीट लॉन्ग जंप इंप्रूवमेंट होना ही होना है। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपको लॉन्ग जंप करने के बाद आपको स्ट्राइड और कूल डाउन अच्छे से करना है।